अगर तुम कोई चीज़ शुरू करते हो ना, अगर तुम कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि यस आई एम योर वेल विशर एंड आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव यू कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये बुरा कर रहे हो, तुम ये मत करो, ये प्लीज़ मत करो, आई नो मैं तुरा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन दे आर द वन हु आर ड्रैगिंग यू डाउन, वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक समवन सक्सेसफुल इन देयर कैरियर, जस्ट अप्रिशिएट देम एंड गिव देम पुश कि तू जो करेगा ना मैं तेरे पीछे खड़ा, तू बस कर, तेरी गलती होगी, तेरी गलती से तू खुद सीख. हाँ ये तो थोड़ी बेसिक गलती होती है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तुम खुद भी समझते हो कि बॉस ये मेरी गलती है. बट तुम किसी के गाइड मेंटर बन के जाते हो ना, वो सलाहकार बन के जाते हो ना, तुम्हारी सलाह उसको ड्रैग डाउन कर देती है, तुम्हें नहीं पता चलता, लेकिन वो ड्रैग डाउन उसको आगे बढ़ने नहीं देती. सो नेक्स्ट टाइम किसी को भी सलाह मत दो, सिर्फ उसको अप्रिशिएट करो, अगर वो अच्छा है तो, अगर वो बुरा है तो कुछ मत बोलो, वो अपने आप समझ जाएगा. समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? अगर कोई बंदा ग्रामर की इंग्लिश लिखता है स्पेलिंग लिखता है, तो यार तेरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तेरी ग्रामर में मिस्टेक, अरे भाई स्पेलिंग छोड़, फीलिंग पकड़ के वो कहना चाहता है, वो तेरा दिमाग दिल में गया या नहीं गया? अगर नहीं गया तो उसको बोल के तेरा ग्रामर एक तरफ, तेरी फीलिंग नहीं आ रही, तो बंदा कुछ अच्छा कर सकेगा ना? समझ रहे हो? सो यस, अगर ये पूरी बात थोड़ी भी 10 ग्राम भी अंदर दिमाग में गई हो, देन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम डाउन विथ योर नेगेटिव फीडबैक. थैंक यू, बाय बाय, आओ जो टाटा.